जुत्सु काइज़न में डोमेन एक्सपेंशन वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेक्निक है जो हर कोई सॉर्सरर हासिल नहीं कर पाता। ये टेक्निक इतनी रेयर है कि अभी तक सिर्फ 13 ही डोमेन एक्सपेंशन अपने को देखने को मिले हैं, और उनमें से कुछ इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो पूरे वर्ल्ड तक की भूसी भरने की कैपेबिलिटी रखते हैं। पर सबसे पावरफुल डोमेन एक्सपेंशन जानने से पहले अपन सबसे वीक को जान लेते हैं। नंबर 13 पे आता है स्मॉल पॉक्स डाइट। तो बेसिकली ये डोमेन एक टाइप का ग्रेवयार्ड है और जो भी इसमें फंसेगा उसे श्योर हिट पड़ेगा। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि अपने ओपोनेंट को एक कॉफिन में बंद करके उसके ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर गेर देते हैं ताकि वो कॉफिन जमीन में धस जाए और वो पत्थर ऐसे ग्रेव स्टोन का काम करेगा। उसके बाद 3 सेकंड का टाइमर शुरू होगा। अगर वो बंदा 3 सेकंड के अंदर बाहर आ जाता है तो बच जाएगा, अगर नहीं आ पाता है तो उसे स्मॉल पॉक्स हो जाएगा और वो बंदा वहीं निपट जाएगा। पर इस डोमेन को अपने मेमे और उयुई ने तोड़ दिया था, तो आई डोंट थिंक सो कि ये उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नंबर 12 पे आता मेगुमी फुशिगिरो का कैमरा शैडो गार्डन। आई नो तुम लोग इसको इस लिस्ट में इतना नीचे देख के चौंक गए होगे, पर ये इस लिस्ट का एक लौता डोमेन है जो इनकम्प्लीट डोमेन है। सो बेसिकली इस डोमेन में एक पर्टिकुलर एरिया शैडो में कवर हो जाता है जिसके बीच में अपना ओपोनेंट फंस जाता है, और उसके बाद अपना मेगुमी मल्टीपल शिकिगामी और जितने भी अवेलेबल शैडोज होते हैं उन सबको अपने ओपोनेंट्स के ऊपर छोड़ देता है। पर इस टेक्निक को जो सबसे कूल बनाती है वो ये है कि वो इससे अपने और अपने ओपोनेंट के शैडो क्लोन बना सकते हैं, ठीक नारुतो की तरह। और इसमें अगर तुम्हारा ओपोनेंट बाय चांस ही फंस गया तो इससे निकलने के सिर्फ 2 तरीके हैं। पहला कि तुम अपने पैरों को कर्स एनर्जी से कवर कर लो, और दूसरा उस ब्लैक होल में गिर के निपट जाओ। इसके इनकम्प्लीट होने की वजह से इसका श्योर हिट अटैक अभी भी पॉसिबल नहीं है। अपना मेगुमी इसमें अपनी 10 शॉट टेक्निक को 120% तक यूज कर सकता है, और इसका एक और प्लस पॉइंट है कि वो इसे यूज करके किसी दूसरे के डोमेन में एक होल कर सकता है, ठीक वैसे जैसे इसने तोजी को डागोन से लड़ने के लिए बुलाया था। इस टेक्निक जब फुल्ली मास्टर रहेगी तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाएगी, क्योंकि यही वो टेक्निक है जो पास्ट में 6 यूजर्स की भूसी भरती हुई आई है। 11th पे आता है डागोन होरिजन ऑफ द कैपिटेटिव स्कांडा। इसका डोमेन एक्सपेंशन दिखने में पूरे जेजेके में सबसे ज्यादा सेक्सी है। इसका डोमेन एक्सपेंशन कोई देखेगा तो वो डोमेन एक्सपेंशन कम और कोई टूरिस्ट प्लेस ज्यादा लगेगा, जिसमें एक साइड बीच है, एक साइड पाम ट्रीज है, चेयर लगी हुई है, बैठो, मतलब बहुत ही ज्यादा सेक्सी। तो अगर इस डोमेन की बात करें तो ये डोमेन तब बनता है जब वो अपने पेट पे एक सील टाइप बना लेता है। पर इस डोमेन को जो मेगुमी के डोमेन से ऊपर रखती है वो है इसका श्योर हिट अटैक। इसमें बहुत सारी पिराना मछली तुम्हारे ऊपर अटैक करेगी और वो तुम्हें तब दिखेगी जब तुम्हें वो अटैक कर चुकी होंगी। और इसकी पावर तो तुम लोगों ने देखी होगी जब इसमें ननामी, माकी और इस बुड्ढे नाओबी तो तीनों फंस गए थे, और इन तीनों की वो ऑक्टोपस भूसी भर रहा था अंटिल मेगुमी ने इसमें एक छोटा सा होल करके अपने बाप तोजी को ना बुला लिया। उसके बाद का मंजर तो तुम्हें पता ही होगा, तोजी ने उसी के डोमेन में घुस के उसी की थूक लाल कर दी। 10th पे आता है जोगो का कॉफिन ऑफ द आयरन माउंटेन। ये वो पहला डोमेन है जो अपने को जे जगह में दिखाया गया था, बस दिक्कत ये हुई कि इसका ओपोनेंट थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकल गया। इसके डोमेन के अंदर का मंजर कुछ वैसे ही होता है जैसे एक एक्टिव वोल्केनो के अंदर का होता है। अगर तुमको इसके डोमेन के बारे में कुछ नहीं पता है तो तुम इसका मुंह देख के ही बता सकते हो कि इसका डोमेन कैसा दिखता होगा। पर इसका डोमेन सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, इतना स्ट्रॉन्ग कि अगर कोई एवरेज जुत्सु सॉर्सरर इसके डोमेन के अंदर कदम भी रखेगा तो भी वो रखते के साथ ही भस्म हो जाएगा। और जैसे कि तुम्हें पता है कि डोमेन के अंदर तुम्हें एक एबिलिटी मिलती है जो है श्योर हिट अटैक की, तो इसके श्योर हिट अटैक में ये बहुत सारे गर्म रॉक्स को इकट्ठा करके अपने ओपोनेंट के ऊपर दे मारता है। पर सच में इसकी किस्मत बहुत ही ज्यादा शिटी है, क्योंकि इसने एक ही बार अपने डोमेन को यूज करा, और करा भी तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर के सामने, अपना गोजो सातुरो। तो सबको पता ही है कि रिजल्ट क्या ही होगा, और शायद इसी रीजन की वजह से इसने अपने डोमेन को सुकुना के सामने यूज नहीं करा, क्योंकि इसे पता था कि किंग ऑफ कर्सेस के सामने इसका डोमेन यूजलेस है। नंबर 9 पे आता है नायोका का टाइम सेल मून पैलेस। मींस एक चीज तो तुम लोगों को माननी ही पड़ेगी कि गेगे ने डोमेन का नाम और डोमेन की पावर सोचने के लिए बहुत ज्यादा रिसर्च करी है, क्योंकि उसने हर एक डोमेन को बहुत ही यूनिक और किसी न किसी प्रोफेशन से रिलेटेड बनाया। जैसे नायोया का ही डोमेन ले लो, इसका डोमेन ओपोनेंट्स के सेल्स पे अटैक करता है। और अगर तुम लोगों को ना पता हो तो तुम्हें बता दूं कि ये ज़ेनिन क्लैन का लीडर है। इसका डोमेन बंदों के अंदर फिल्म डाल देता है उनकी गर्दन के थ्रू, और जो कि पॉसिबल हो पाता है इसका श्योर हिट अटैक की वजह से। और इस अटैक के लगने के बाद इसका ओपोनेंट अगर हल्का सा भी हिला तो उसके 1 सेकंड 24 फ्रेम्स में डिवाइड हो जाएंगे, जिससे उन्हें अंत का दर्द और अंत की इंजरी होगी, क्योंकि हर एक मूवमेंट पे उनके सेल्स हिलेंगे जिससे उनको अंत का डैमेज पड़ेगा। पर इसको काउंटर करने का एक तरीका है कि तुम अपनी मूवमेंट स्पीड को 24 FPS तक कर देना होगा। पर इसके इतना स्ट्रॉन्ग होने का भी क्या फायदा है जब ये माकी तक को नहीं हरा पाया। पर माकी को वो इसलिए नहीं हरा पाया था क्योंकि माकी के अंदर 0 कर्ज एनर्जी है, और उसकी बॉडी को इसका डोमेन एज अ बिल्डिंग ट्रीट कर रहा था। नंबर 8 पे आता है योरुजू का 3-fold एफिलेशन। इस डोमेन के बारे में अपने को ज्यादा कुछ रिवील नहीं करा है, क्योंकि मांगा में इसे सिर्फ एक चैप्टर में निपटा दिया था, क्योंकि इसका ओपोनेंट था सुकुना और भाई ने इसको स्क्रीन टाइम मिलने से पहले ही निपटा दिया था। पर इसका डोमेन भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब वो बात अलग है कि इसका ओपोनेंट थोड़ा गलत मिल गया था, पर इसका अटैक भी तुम्हें श्योर हिट अटैक देगा। सो अगर इसके डोमेन की बात करी जाए तो अपने डोमेन में ये अपने कर्ज एनर्जी से बने हुए हथियारों से वार करती है, और सुकुना के खिलाफ लड़ाई में इसने एक परफेक्ट स्पीयर बना लिया था जो अगर जुत्सु काइज़न के टर्म्स में बात करें तो लगभग इम्पॉसिबल है किसी भी सॉर्सरर के लिए अचीव करना। और ये स्पीयर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि जिसको भी टच करेगा उस चीज को तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि इसका प्रेशर बहुत ज्यादा तेज था। और शायद ये स्पीयर सुकुना के भी भूसी
बढ़ सकता था, पर अपने सुकुना ने मोहरोगा को बुलाया और उसने एक एक घुसण में एक स्पीयर के चिथड़े उड़ा दिए। नंबर 7 पे आता है हिगुरुमा'स डेडली सेंटेंसिंग। बेसिकली एक कोर्ट रूम थीम डोमेन है जहाँ पे यूजर और टारगेट वकील और मुजरिम का काम करते हैं, और एक लौता डोमेन है जिसके अंदर लड़ाई झगड़ा अलाउड ही नहीं है, और इसके अंदर बेसिकली एक शिकिगामी होगा जिसको जजमेंट शिकिगामी बोलते हैं, उसकी अपने को सारी बात माननी है, वो काइंड ऑफ जज का काम करेगा। सो इस डोमेन में सबसे पहले बेसिकली होता क्या है कि इसमें जो जजमेंट शिकिगामी है वो सारे चार्जेस को रीड करेगा जो भी डिफेंडेंट के खिलाफ होंगे, मीन्स उसने जो भी जुर्म करा है, जो भी उसके ऊपर इंजाम लगे हैं, वो सब कुछ, और जजमेंट को ऑलरेडी सब कुछ पता होगा, और उसके पास जो भी इन्फॉर्मेशन हो वो खुद इस डोमेन के ओनर हिगुरुमा के साथ भी शेयर नहीं करेगा। फिर उसके बाद नॉर्मल कोर्ट्स में जो भसड़े चलती है वो सारी भसड़े चलेंगी, एक दूसरे के ऊपर इंजाम लगाएंगे, दूसरे को गलत प्रूफ करना शुरू करेंगे ईटीसी। पर जब सब कुछ हो जाएगा तो डिफेंडेंट को एक मौका और मिलेगा खुद को डिफेंड करने का, जिसमें उसके पास 3 चॉइसेस होंगी, एक कि चुप रहो, दूसरा कि कन्फेस कर लो कि ये सारे जुर्म उसी ने करे, और तीसरा कि डिनायल कर दो कि नहीं ये सब झूठ है। और नॉर्मल कोर्ट की तरह इसमें भी मुजरिम अंत का झूठ बोल सकता है, बस उसे कुछ भी करके खुद को बचाना होगा। ये सब होने के बाद जो जजमेंट होता है वो डिसाइड करता है कि वो इनोसेंट है कि नहीं। अगर वो इनोसेंट नहीं हुआ तो उसके बाद 2 सजाएं होती है। पहली सजा कि वो अपनी कर्ज टेक्निक को यूज नहीं कर पाएगा, और दूसरी सजा डेथ पेनल्टी, जिसमें वो अपने कर्ज टेक्निक को तो यूज कर ही नहीं पाएगा। उसके साथ साथ हिगुरुमा के पास एक एग्जीक्यूशन स्वॉर्ड आ जाएगी, जिससे अगर वो अपोनेंट को सिर्फ टच भी कर दे तो भी उस अपोनेंट का खेल खत्म। और इन सबके बाद भी तुम रीट्रायल के लिए अपील कर सकते हो, और जो कि तुम्हारी अपील सुनी जाएगी, जैसे अपना यूजी ने कर दी और उसके बाद उसने सुकुना को दोषी ठहरा दिया था। नंबर 6 पे आता है महितो का सेल्फ एम्बॉडीमेंट ऑफ परफेक्शन। इस डोमेन में अंत के हाथ निकलेंगे महितो के मुंह के अंदर से। इस डोमेन में महितो के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं आइडल ट्रांसफिगुरेशन के, मींस इस डोमेन में उन अनलिमिटेड हैंड्स में से किसी भी हाथ ने अगर तुम्हें सिर्फ टच भी कर लिया तो समझ लो कि तुम्हारा राम नाम सत्य हो गया, मींस इसके एक टच से वो तुम्हारी सोल और बॉडी को मैनिपुलेट कर सकता है। अगर तुम इसके अंदर गलती से भी फंस गए तो एक गारंटेड विन डोमेन है, पर इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इसे उस बंदे की सोल को छूना पड़ेगा। पर जब यूजी इसके डोमेन में एंटर हुआ और उसने यूजी की सोल को छूना, इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इसने यूजी की सोल को छूने के चक्कर में सुकुना की सोल को छू दिया। फिर क्या था, इसकी भुस्सी भरनी थी जो भर गई। पर जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ी इसने अपने डोमेन को बहुत ही ज्यादा परफेक्ट कर लिया, और यूजी के खिलाफ बैटल में जब ये पहली बार ब्लैक फ्लैश यूज करता है तब इसने अपने डोमेन को 0.2 सेकंड के लिए एक्टिव करना सीख लिया। नंबर 5 पे आता है केंजाकुस वॉर्म प्रोफ्यूजन। यही वो बंदा है जिसकी वजह से जेजेके इतना लंबा खींच गया। अगर इसके डोमेन में तुम बाय चांस फंसते हो तो एक बहुत ही एक्सप्लोसिव फोर्स तुम्हें हिट करेगी जो मैक्सिमम उज़ुमाकी जितनी स्ट्रांग होगी। और हाँ, यहाँ पे उज़ुमाकी का मतलब नारुतो उज़ुमाकी नहीं है, ये बेसिकली एक टेक्निक है जिसमें बहुत सारे कर्स पीस को कंबाइन करके यूज करते हैं, और ये बेसिकली एक बैरियर लेस डोमेन है जो कि इतना स्ट्रांग है कि यूकी के सिंपल डोमेन को, जो एक ऐसा डोमेन एक्सपेंशन था जो दूसरे के डोमेन्स को काटता था, अब पता नहीं कौन से डोमेन्स को काट रही थी, क्योंकि केंजाकु ने तो उसका गू निकाल दिया। और इससे पहले कि हम यूकी के डोमेन के बारे में और कुछ जान पाते ये औंधी पड़ी थी। 4th पे आता है हिकारूस आइडल डेथ गैम्बल। इसका डोमेन मुझे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट और सेक्सीएस्ट डोमेन लगा, पर इसका डोमेन सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है सारे 13 डोमेन एक्सपेंशन में। तो इसका डोमेन एक पोचिंग को मशीन के ऊपर बेस्ड है, जिसमें सिर्फ एक ही गोल होता है कि जैकपॉट हिट करना, और जैकपॉट हिट करने के लिए तुम्हें तीनों सिंबल सेम लाने पड़ेंगे। और जो चीज इस डोमेन को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है वो ये है कि जब ये जैकपॉट हिट करेगा तो उसके बाद ये इमॉर्टल बन जाएगा, मींस 4 मिनट 11 सेकंड के लिए तुम इसे छू भी नहीं सकते। और अगर तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि 4 मिनट 11 सेकंड ही क्यों, तो बेसिकली ये टाइम ड्यूरेशन है सॉन्ग की द प्राइवेट प्योर लव ट्रेन थीम सॉन्ग। इसका नाम है एडमायरिंग यू, मींस एक बात तो है गेगे सोचता बहुत है, और इस 4 मिनट 11 सेकंड के टाइम फ्रेम में वो इनफिनाइट कर्स एनर्जी को यूज कर सकता है। पर इसके जो जैकपॉट हिट करने के चांस वो 1 out of 239 है, पर अगर बाय चांस भी इसने जैकपॉट हिट करा तो उसकी रीजनरेशन स्पीड सुकुना और गोजो से भी ज्यादा फास्ट हो जाएगी। सो बेसिकली जैसे तुम इसके डोमेन में घुसोगे इसके सारे रूल्स तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिकली चले जाएंगे बिकॉज ऑफ द सेम रीजन, सारे हिट अटैक की वजह से। पर इसमें ओपोनेंट को कोई लॉस नहीं होता। सो अगर इस गेम की बात करें तो इसमें बेसिकली 3 मोड होते हैं, पहला शटर डोर, दूसरा रिवर्सर बॉल, तीसरा कॉन्जिक्यूटिव, जिसमें रिवर्सर बॉल और शटर डोर दोनों ही ऑफेंसिव अटैक है और कॉन्जिक्यूटिव इफेक्ट एक डिफेंसिव अटैक है। और इस गेम में बेसिकली 4 स्टेप होते हैं, और हर स्टेप के साथ तुम्हारे जैकपॉट हिट करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी, और लास्ट स्टेप पे पहुंचने तक तुम्हारी जैकपॉट हिट करने की प्रोबेबिलिटी 80% तक हाई हो जाएगी। और अगर बाय चांस जैकपॉट नहीं भी हो तो ये दोबारा से शुरू हो जाएगा, बस अमाउंट ऑफ स्पिन जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे। अगर गलती से भी इसका जैकपॉट हिट हुआ तो ये दोबारा से अपने डोमेन को एक्टिवेट करता है, और ये सेम चीज वो रिपीट कर सकता है। 3rd पे आता है यूता का डोमेन म्यूचुअल ट्रू लव। ये डोमेन बहुत ही ज्यादा अलग और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और मेरे हिसाब से ये सबसे ज्यादा ब्रोकन डोमेन है पूरे जेजेके का, मींस काइंड ऑफ चीट। इसके अंदर तुम्हें दुनिया भर के कर्स टूल मिलेंगे, जिसमें हर टूल के ऊपर एक डिफरेंट कर्स टेक्निक होगी जो यूता ने कॉपी करी होगी आज तक के इतिहास में, जैसे उरोस के आइस ब्रेकर, इनुमाकी के कर्स स्पीच, और तोर एंजल जैकोब लेडर मोस्ट ओवरपावर्ड कर्स टेक्निक पूरे सीरीज की। और जो चीज इसे और ज्यादा स्ट्रांग बनाता वो ये
है कि वो इसे एंडलेसली यूज कर सकता है। और जब इसने इसे सुकुना के खिलाफ यूज करा था तो उसकी तक फट गई थी। उसने अपने आसपास बैरियर बना लिया था, पर फिर भी सुकुना की एक आंख अपना यूता ले ही गया। नंबर सेकंड पे आता है नन अदर देन गोजो सातोरू का अनलिमिटेड वॉइड। इसके डोमेन के बारे में तो सभी को पता होगा और ये भी पता होगा कि किस लेवल का स्ट्रॉन्ग है। अगर नहीं पता तो चलो बता देता हूँ। इसके डोमेन में बंदा लिमिटलेस वॉइड में फंस जाता है, जिसमें उसके दिमाग में अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन ठूस दी जाती है, जिससे एंड में होगा ये कि वो निपट जाएगा। गोजो के एक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये अपोनेंट को सब कुछ दे देता है और उससे सब कुछ ले लेता है। आप बाकी तुम समझते रहो। सो बेसिकली अगर तुम लोगों को समझाऊं तो जो भी उस बंदे ने अपनी लाइफ टाइम में चीजें करी होंगी वो सारे थॉट्स उसके दिमाग में एक ही बारी में ठूस दिए जाएंगे और वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। पर इस डोमेन के अंदर जो लोग गोजो के कॉन्टेक्ट में होंगे सिर्फ उन लोगों के ऊपर इसका कोई असर नहीं होगा। और डायनामिक के अकॉर्डिंग ये डायरेक्ट हिट नहीं, डायरेक्ट विन डोमेन है। अगर कोई बंदा इसके डोमेन में फंस गया अनटिल अनलेस कि वो बंदा सुकुना ना हो तो फिर उसकी ऐसी तैसी है। और इसी डोमेन की वजह से केंजाकू ने गोजो को अंडरग्राउंड बुलाया था शिबुया में ताकि गोजो अपना डोमेन एक्टिवेट कर पाए। पर गोजो बीइंग गोजो उसने सिर्फ इसे 0.2 सेकंड के लिए एक्टिवेट करा ताकि वो सबको इमोबिलाइज कर सके। और फिर 299 सेकंड में उसने सारे ट्रांसफिगर ह्यूमंस को निपटा दिया। सो फाइनली नंबर 1 पे आता है सुकुना का मेलोरेंट श्राइन। ये ऑब्वियसली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डोमेन होगा क्योंकि ये किंग ऑफ कर्सेस का डोमेन है। और इसके डोमेन ने गोजो के डोमेन को कुत्तों की तरह पेला है, वो भी एक बार नहीं बहुत बार। वही गोजो जो अपने आपको स्ट्रॉन्ग बोलता फिरता था। सो इसके डोमेन में बेसिकली एक श्राइन टाइप का खुल जाता है जो उसे एबिलिटी प्रोवाइड करता है श्योर हिट की। और वो डायलॉग तो तुम लोगों ने सुना ही होगा कि मैं तेरे इतने टुकड़े करूंगा कि तू चुन नहीं पाए। तो वो डायलॉग सुकुना के ऊपर परफेक्टली फिट बैठता है। सो बेसिकली इसके डोमेन में इसको दो एबिलिटी प्रोवाइड करता है, एक क्लीव एंड एक डिसमेंटल। इसका डोमेन ओपोनेंट को इतने पार्ट में काट देगा कि तुम्हें उसकी अस्थियां भी नहीं मिलेगी। और इसके डोमेन को रोकने के सिर्फ दो ही तरीके हैं। पहला कि जब सुकुना इसे खुद डिसमेंटल कर दे, और दूसरा कि जब सुकुना कोई कुत्ता भर दे, जो कि इम्पॉसिबल है। तो सुकुना इसमें क्लीव और डिसमेंटल को कभी भी आपस में स्विच कर सकता है, जिसमें डिसमेंटल काम होता है कि वो इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स पर अटैक करता है और क्लीव का काम होता है हर उस चीज पर अटैक करना जिसके अंदर कर्स एनर्जी है। और महोरागा की फाइट में हम लोगों ने देख ही लिया था कि इसने कैसे पूरी सिटी को निस्ता नाबूद कर दिया था। और तो सुकुना अपने डोमेन की रेंज को भी बढ़ा सकता है बिना अपने बैरियर को क्लोज करे। बेसिकली इसमें एक सेपरेट स्पेस क्रिएट होता है जो एक बाइंडिंग वॉल क्रिएट कर देता है, क्योंकि वो एक एस्केप रूट प्रोवाइड कर रहा है अपने डोमेन से, पर बदले में उसकी रेंज बढ़कर 200 मीटर तक हो जाती है और उसका श्योर हिट गारंटेड हिट बन जाता है। सो गाइस यहां पर अपनी वीडियो खत्म होती है। ये थी मेरी रैंकिंग टॉप डोमेन एक्सपेंशन की। अगर तुम लोगों को मेरी रैंकिंग पसंद नहीं है तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में अपनी रैंकिंग बता सकते हो। और अगर इस वीडियो 5000 लाइक्स पहुंच गए तो जे जगह की नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रैंक करेंगे टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट जुजुत्सु सॉर्सरर को। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।